एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको मैं लेकर चलती हूँ अपने साथ दुर्गा पूजा घुमाने के लिए। तो ये फर्स्ट पंडाल है जो कि बहुत प्यारा बना रखा था, और मेन था कि हमने पश्चिमी के दिन ही सारी चीज़ें घूम ली थी, उतनी भीड़ नहीं थी और हमने फटाफट से सारी पंडाल घूम ली थी और बहुत मज़ा आया। वैसे हमने बहुत दिन तक घूमा और सुबह भी घूमा, रात को भी घूमा, बट जो लाइट सिस्टम होती है रात की उसको देखने की बात अलग होती है। इसमें लाइट से कितनी खूबसूरत चमक रही थी, और मैंने पास जाकर मैं दिखाती हूँ उसको, कितनी प्यारी मूर्ति थी और सजावट तो बहुत खूबसूरत थी। बगल में साईं मंदिर थी तो हम वहाँ भी दर्शन करने के लिए चले गए थे। साईं बाबा का दर्शन करके एकदम मन एकदम शांत हो जाता है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पंडाल। तो ये पंडाल नंबर 2 है। तो ये यहाँ बांस होती है, जो बांस की जो लकड़ी होती है उसके साथ इसकी डिज़ाइन बनाई हुई थी, और बहुत ही अच्छी कारीगरी की हुई थी और बहुत ही प्यारा बनाया हुआ था। बट यहाँ का जो पट था वो खुला नहीं था, वो माता का अभी जो मूर्ति थी वो दिख नहीं रही थी, बट हल्की सी वहाँ जो कपड़े लगे हुए थे उससे हम देख पा रहे थे। तो बहुत ही प्यारा मूर्ति बनाया हुआ था और बहुत ही खूबसूरत था, तो ये भी बहुत अच्छा था। नेक्स्ट हम गए थे पंडाल तीसरे नंबर पंडाल में, जो कि बहुत प्यारा था और बच्चे के थीम पर बनाया गया था। ये छोटे छोटे देख रहे गोल गोल बच्चे घूम रहे, कि जो छोटी छोटी लड़कियों को जो मार देते उसको उस थीम पर बनाया गया था, और ये बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत लाइट सिस्टम के साथ अंदर किया हुआ था, बहुत प्यारा सा सजाया हुआ था। माता को भी बहुत प्यारी बनी हुई थी, तो आपको मैं दिखाती हूँ और पास जाकर भी मूर्ति को दिखाती हूँ कि कैसी दिख रही थी माता। दूर से तो पता नहीं चल रहा, बट सजावट इतनी प्यारी थी और रात के समय में लाइट तो इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि मैं क्या बोलूँ। और हर चीज़ इतनी प्यारी तरीके से सजाई हुई थी, हर चीज़ बारीकी के साथ की हुई थी। 4 पंडाल हम गाड़ी से सोचा देख लूँ, फिर हमने देखा कि बहुत ही अंदर से खूबसूरत दिख रही थी, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना अंदर जाकर भी देखा जाए। तो हमने डिसाइड करा अंदर जाने के लिए। मैं ये मेंस के तरफ से जा रही थी, आदमियों की तरफ से, तो मुझे रोक दिया, फिर बोला कि उधर साइड से जाओ, तो फिर मैं पलट कर उधर से चली गई। यहाँ बीच में शंकर भगवान बनाए हुए थे, फिर लेडीज़ डिपार्टमेंट से मैं अंदर से इंटर करा। और ये बहुत ही गंगा आरती का यहाँ आप देख सकते हो लगाया हुआ है, बड़ा सा यहाँ फेस लगा हुआ है, नहीं पता किसका फेस है, मुझे नहीं पता। और फिर हम अंदर इंटर करते हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऊपर का झूमर बनाया हुआ है, और माता का तो कहना ही नहीं, माँ तो किसी भी रूप में खूबसूरत ही दिखती है। और बाहर खाने पीने इतनी सारी चीज़ें थी। चलो अब पंडाल नंबर 5 में चलते। आपको पता ही किस चीज़ से बनी हुई है? ये बनी हुई है काजू के छिलके से। काजू होते, काजू कितनी महंगी होते देखो, ये बिल्कुल काजू के छिलके से बनी हुई है। पूरी पूरी डेकोरेशन जो होती है, पूरी डेकोरेशन ऊपर से नीचे पूरे काजू के छिलके से बनाई हुई है। इतनी प्यारी बनी हुई थी, क्या बोलो। एक पल पे तो मैंने सोचा ये काजू ही है, फिर मुझे बाद में बताया गया कि नहीं, ये काजू के छिलके से बनाई हुई है। और देख रहे हो मोर इस वो भी बनाया गया। पंडाल नंबर 6, इसमें बनाई गई थी अर्जुन की चक्र भूमि बनाई गई थी, बट क्या हुआ इसी टाइम पे मेरे फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो गई और मैं शूट नहीं कर पाई। तो पंडाल नंबर 7 लेके चलते। ये है बंगला मंदिर। यहाँ इतनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर नक्काशी करी हुई थी, इतनी खूबसूरत बनी हुई थी, मैं क्या बोलूँ, मेरे को बहुत प्यारी लगी। और लाइट सिस्टम की वजह सुबह आती तो काश में ये चीज़ें नहीं देख पाती, और ये रात को इतनी प्यारी ऊपर से लगी हुई थी, और ऊपर इसके नीचे ना बड़ी सी कांच लगी हुई थी, वो ले ही नहीं पाई, बड़ी सी कांच लगी हुई थी, और बहुत प्यारे तरीके से वो ऊपर का जो बनाया हुआ था स्ट्रक्चर वो बहुत अच्छा खूबसूरत सा दिख रहा था उसके अंदर। और ये रही माता, माता तो ऐसी भी बहुत खूबसूरत दिखती हैं, तो इनका रूप भी बहुत खूबसूरत था, और जो सजावट थी ये बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थीम से बनाया गया था। ये रही ऊपर वाली, बहुत ही प्यारी रही, मतलब किस चीज़ से बनाया हुआ है। फिर चलो हम चलते हैं नेक्स्ट। ये देख सकते हो कितनी प्यारी तरीके से बनाया हुआ, कितना मेहनत लगता है ना, बट लोग कितने मेहनत करते। चलो नेक्स्ट डे फिर हम चले गए बाहर और कहीं और दूर दूर तक हमने घूमने के लिए गए। ये रही मैं। और चलो हेलो एवरीवन, और अभी हम आ गए मेले में। ये सारी चीज़ें भी दिखने को मिलती है, ये तरह की मिठाइयाँ हैं, मुझे नहीं पता, बट चलो आगे बढ़ते। अब हम चलते हैं रात के समय को, शाम हो गई थी जहाँ जिस जगह हम लोग घूमने के लिए गए थे। फिर हमने एक पंडाल देखा जो कि बंद थी, तो दूर से ही देखा, ये 8वां पंडाल था, हमने बाद में घूम लिया था। अब ये 9वां पंडाल है जो कि बहुत ही प्यारा, मतलब कि साउथ के टाइप का बनाया हुआ था, उसके कल्चर के बेस को लेकर इसको बनाया गया था, और बहुत ही प्यारी तरीके से बनाई गई थी। और वहाँ पर जाते साथ देखा कि परफॉर्मेंस चल रही थी, 2 लड़कियाँ डांस कर रही थी, बहुत ही प्यारी, जो 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 जो
मुझे तो दिखी भी नहीं रही थी, इसीलिए मैंने छोड़ दिया परफॉर्मेंस और फिर मैं अंदर चली गई। कितनी प्यारी तरीके से बनाई हुई है ना, मुझे लग रहा था एक पुतला उठाकर मैं अपने साथ लेकर चली जाऊँ, बट क्या करती मैं मार खाती इसीलिए छोड़ कर चली आई। और इतनी प्यारी तरीके से ऊपर भी बनाई हुई थी, मतलब ऊपर की डिज़ाइन कितनी प्यारी प्यारी बनाते हैं ना, और ये बहुत ही मां सुंदर। और उसके बाद हम नेक्स्ट चले गए थे जहाँ पर जितने भी कृष्ण भगवान के जितने भी अवतार, जितने भी जन्म हुए थे उन स्पेस पे बनाया गया था। पहले तो उनके सारे अवतारों को दिखाया गया, कृष्ण भगवान कौन कौन से अवतार पर धरती पर आए थे वो चीज़ें दिखाई गई थी। फिर स्पेसशिप टाइप का कितनी प्यारी दिख रही थी ना, ये लाइट की वजह से कितना खूबसूरत चमक रहा था। और फिर हम इसके साथ एंटर करते चले गए माता को ढूंढते ढूंढते कि मूर्तियाँ हैं कहाँ। तो फिर यहाँ पर देख सकते हो ये रही माता, और यहाँ की भी जो पंडाल अब खुली नहीं थी, माँ का फेस अभी रिवील नहीं हुआ था, और यहाँ कृष्ण भगवान बने थे, ये एंट्री गेट था उसका। ठीक है, अब हम लोग आए थे हाथी वाले, इतनी खूबसूरत हाथी, बड़ी सी हाथी बनी हुई थी, बट ये भी ओपन नहीं हुआ था, बट पास जाके दिखाती हूँ। सूर से ना इसकी पानी निकलेंगी और ये ऊपर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज है नवरात्रि, और अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं अभी तुरंत ही सोकर उठी हूँ, अभी मैं तैयार और कुछ नहीं हुई हूँ, और अभी मैं जाकर नहा धोकर तैयार हूँ क्योंकि आज बहुत सारा काम है। आज नौमी पूजा है तो नौ कन्या को खाना खिलाना है, और फटाफट से खाना भी बनाएंगे, और हम लोग आज घूमने भी जाएंगे। तो आज बहुत बहुत अच्छा आज का दिन है, आज का दिन पूरा बिजी रहेगा शेड्यूल, तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहो। और फटाफट से मैं नहा धोकर तैयार और होकर आती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है, बाय। नवरात्रि के लिए छोले बना रहे थे तो आलू को फटाफट से मैं भूंज रही थी, मम्मा फटाफट से पूड़ियाँ तल रही थी, हम फटाफट से फिर खीर बनाया मैंने, और फिर हम चले गए नौमी पूजा के लिए। जो घर में छोटी छोटी सी कन्या आई हुई थी, कितनी क्यूट क्यूट सी थी, एकदम सब सब धज के कितनी तैयार हो जाती है। इन लोगों को देखकर ना हमें अपनी टाइम की याद आती है, जब हम भी छोटे छोटे थे तो इसी तरीके से सुबह सुबह उठ जाया करते थे कि हमें बाहर जाना है, हमें कितने सारे खाने को मिलेगा, सामान मिलेगा, पैसे मिलेंगे, इन सब चीज़ की मज़े ही अलग रहती है। और वो छोटे छोटे कितने एक्साइटेड से बैठे हुए थे, पूरे वो खा रहे थे, वो हर चीज़ मोमेंट कितना इंजॉय कर रहे थे, इन सबको देखकर हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और ये छोटी छोटी कन्या माता के रूप होते हैं, तो हमेशा हम चाहेंगे कि माता हमेशा हमारे घर पर आए और सभी के घर में आए और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो मेरे साथ जयकारा लगाओ, जय माता दी। और इस तरीके से सबका हमने आरती उतारा, सबको हेयरबिन क्लिप दिए, मतलब बहुत से सामान इंसान देते हैं, बट हमने बस ज़्यादा कुछ नहीं दिया, और सिर्फ हेयरबिन क्लिप, और फिर हमने रुमाल दिए, और फिर बहुत सारे खाने खिलाए, और थोड़ी थोड़ी से वो पेंसिल रबर के जो सेट आते हैं वो सारी हमने इसमें ऐड किया, उनको गिफ्ट करा, और फिर उसके बाद माता का आशीर्वाद लिया, और फिर हम इन सब को छोड़कर फिर देकर फिर हम चल पड़े घूमने। तो अभी हम लोग मेला जो सुबह से स्टार्ट करा अभी स्टार्ट हो गया है। नौ कन्या खिलाने के बाद हम चल गए थे सुबह ही सुबह बाहर, और ये पंडाल फर्स्ट पंडाल हमने घूमा उस दिन, इतनी प्यारी सी बनी हुई थी। और ना पूरे जो शिव भगवान के जितने भी ज्योतिर्लिंग होते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, वो पूरी बनी हुई थी साइड साइड में, तो उन सभी का मैंने वीडियो ले। इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ कर रखी थी सभी लोगों ने कि मैं अच्छे से ले ही नहीं पा रही थी, बट तब भी मैं घुस कर बीच बीच में से घुस कर आपके लिए सारी चीज़ें मैंने शूट करा कि नहीं मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और बहुत ही प्यारे तरीके से बनाई हुई थी और बहुत ही खूबसूरत है। कितना मेहनत करते ना, तो एक लाइक और एक कमेंट सब्सक्राइब तो बनते हैं मेरे 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 मेहनत के लिए भी और इन सब के मेहनत के लिए भी। ठीक है, तो आदमी को रोक दिया और मैं बीच से घुसकर निकल गई। अब चलो अंदर जाकर देखते, तो बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर से काम किया हुआ था। ये रही माता जो कि इतनी प्यारी दिख रही थी, बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। और उसके बाद मैंने सारी यहाँ की शूटिंग कराई, और ये जो गोल्डन गोल्डन मैं जाकर छूकर देख रही थी कि किस चीज़ की बनी हुई है। और फिर हम बाहर जाकर दूसरी साइड की ज्योतिर्लिंग का भी मैंने वीडियो ले लिया कि पूरा नहीं मैं पूरे के पूरे ही लूँगी। तो मैंने पूरे फटाफट आप सभी के लिए जितने भी ज्योतिर्लिंग के थे सारे की मैंने वीडियो शूट करे, और बहुत ही प्यारी तरीके से बनाई गई थी, बहुत ही खूबसूरत पंडाल बना हुआ था। मेरा दिल देखकर मेरा दिल एकदम खुश हो गया। बीच में पानी की बहुत अच्छी सिस्टम दी हुई थी, और बाहर मेले टाइप की छोटी सी लगी थी, मेले तो हर जगह लगे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। और हम चल गए दूसरे पंडाल में, दिन की वजह से देख रहे हो लाइट सिस्टम नहीं है तो कैसा दिख रहा है, बट अगर रात के समय इस टाइम पर आते तो कितना प्यारा लगता ना।
तरह तरह की लाइट जलती, बहुत ही खूबसूरत यहाँ की मूर्ति बनी हुई थी ऊपर जो पूरे लकड़ी लगी हुई थी। और फिर हम चल गए बंगाली वाले में जहाँ पर सिंदूर की होली खेली जा रही थी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लोग खेल रहे थे क्योंकि ये दसवीं का है। उसके बाद ये माता का है जो कि माता के पूरे रूप को ऊपर पहाड़ पर लगा रखा था और अंदर इंटर करने के बाद इतनी खूबसूरत तरीके से बनाई हुई थी अंदर। और पानी की वॉइस आ रही थी मेरे को, मैं दोनों तरफ घूम कर देख रही हूँ पानी आ कहाँ से रहा है, आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर की तरीके से। मैं आगे बढ़के गई, उसके बाद फिर देखो ओ यहाँ पानी गिर रही है लगता है वैष्णो देवी बना रखी थी। फिर मैं चल पड़ी उसके बाद मक्खी देखने के लिए। ये देखो कितनी बड़ी सी मक्खी लगी हुई है बहुत बड़ी सी मक्खी थी, मेरे बहुत प्यारी लग रही थी। और ये देखो ये पंडाल इतना प्यारा था, ऊपर बड़ी छोटी छोटी मक्खी के छत्ते लगे हुए थे, लग रहे थे मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए थे। और इतनी प्यारी तरीके से बनाया गया था, सच में बहुत ही खूबसूरत थी। और इतनी प्यारी माता इतनी दूर रख रखा था, बट दूर से ही माँ इतनी प्यारी दिख रही थी, इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि कुछ कहना ही नहीं। अब बस इतना ही और उसके बाद हम चल पड़े घर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में रेसिपी वीडियो के साथ। तो टिल देन स्टे ट्यून रहो, नेक्स्ट वीडियो मिलते, बाय।